काफ़ी लोगों को होमोसेक्सुअल ओरिएंटेशन है और उससे उनको अपराधीपन की भावना भी आती है और उससे उनको बाहर आने की इच्छा है, मगर वो बाहर नहीं आ सकते। उसके लिए क्या किया जाए, वो एक केस स्टडी आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ, उससे आपको पता लग जाएगा। तो आइए, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, संबोध तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला, नागपुर, पुणे, मुंबई, यहाँ हम प्रैक्टिस करते हैं, हमारे हॉस्पिटल्स है और मनोविकार तथा व्यसनी लोगों को हम भर्ती करते हैं। एक मेरे पास में काफ़ी पढ़ा लिखा मल्टीनेशनल में काम करने वाला व्यक्ति, जो लाख रुपये महीना उसकी सैलरी ड्रॉ कर रहा है, वो आया था बॉम्बे में रहने वाला। और उसने मुझे ये बताया कि मुझे अभी 27 साल का हूँ और उसके पेरेंट्स जो है वो प्रेशराइज कर रहे कि शादी करो। उसको अट्रैक्शन है लड़कों की तरफ, वो शादी करना चाहता है, ऐसा नहीं कि शादी नहीं करना चाहता। और वो खुद बोलता है कि मुझे अभी लड़कियों की तरफ अट्रैक्शन मेरा कैसा बढ़ेगा वो मुझे बताओ, कि मेरे को शादी भी करनी है और नॉर्मल लाइफ जीने का है। उसने ये बताया कि मैंने कभी अभी, मतलब अभी 27 साल का है, 18 साल के बाद में, मतलब पिछले 9 साल में उसने बताया कि मैंने कुछ भी होमोसेक्सुअल कॉन्टैक्ट किया नहीं है। सिर्फ ऐसे विचार आते हैं, लड़कों की तरफ देखना अच्छा लगता है, कभी ट्रेन में समझो घर्षण हो गया लड़कों के साथ में तो अच्छा लगता है, बाकी उसने किया कुछ भी नहीं। उसको अपराधीपन की भावना है कि भाई मैं ऐसा कैसा हो गया। फिर जब उसको पूछा तो मालूम पड़ा कि भाई 6-7 साल का था, बच्चे बच्चे लड़के खेलते थे, उसके कजिन्स ब्रदर्स है, तो मौसी के लड़के है, चाचा के लड़के है, सब खेलते थे। थोड़े उससे वो 2-3 साल बड़े थे और वो जब खेलते रहते तो आपस में वो उनके सेक्सुअल पार्ट एक्सपोज करते थे, बताते थे, पकड़ने को बोलते थे, वो एक दूसरे के सेक्सुअल पार्ट पकड़ते थे, खेलते थे और उसमें उनको मज़ा आती थी। धीरे धीरे उसको भी मज़ा आना चालू हो गया। उसको अच्छा लगता नहीं था मगर धीरे धीरे उसको मज़ा आना चालू हो गई, तो उसने वो पहले जो रेजिस्टेंस था वो करना छोड़ दिया। बाद में जैसे उम्र बड़ी हो गई तो उसको लगा नहीं, मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि समाज में लोगों को मालूम पड़ा तो क्या हो जाएगा। फिर छुपके छुपके कभी सेक्सुअल पार्ट्स के साथ में खेले, कभी सेक्स कर दिया। ये 7 साल के बाद में 18 साल तक चलते रहा। 18 साल के बाद में बोलता कि मैंने कुछ भी नहीं किया, बाद में मैंने हाथ भी लगाया नहीं, मगर कभी एंजॉय कर लेता हूँ, कभी ऐसा घर्षण हो गया, एक्सीडेंटली कभी टच हो गया तो एंजॉय कर लेता हूँ। उसको इतना गिल्ट फीलिंग है, इतनी अपराधीपन की भावना है कि भाई उन्होंने मेरे ऊपर ऐसा लैंगिक अत्याचार किया, जो कजिन से उन्होंने अत्याचार किया वो जवाबदार है, फिर मेरे माँ बाप ने मुझे कैसा बचाया नहीं, उन्होंने कैसा ख्याल दिया नहीं, बोले मेरी तो बिल्कुल इच्छा नहीं थी, मतलब उसका सब जो था वो लोगों को दोष देना था और दोष दे रहा था। फिर मैंने उसको बताया कि नहीं भाई, आपको काउंसिलिंग के लिए आना पड़ेगा, अपन सिटिंग करेंगे, बैठेंगे और बाद में देखते क्या है, क्या करना है। तो अभी हम काउंसिलिंग में ऐसे ये आज ही नहीं, काफ़ी मतलब पेशेंट आते रहते हैं, इनको हम बोलते हैं कि भाई ठीक है, जो हो गया आपकी ज़िंदगी में उसके लिए पहले आप जवाबदारी लो। आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि नहीं नहीं मैं तो बलि पड़ गया, नहीं तो उन्होंने किया मैं क्या करूँ। आपने उसका विरोध नहीं किया तो उसकी आप जवाबदारी लो, जो भी घटना हुई है उसकी जिम्मेवारी आप लो कि नहीं मैंने भी उसमें कुछ ना कुछ मेरा हाथ लग गया वो होने में, और मैंने कुछ ना कुछ मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। ना पेरेंट्स को दोषी पकड़ना है, ना बाकी लोगों को दोषी पकड़ने का, जवाबदारी लेना है कि नहीं मैं उसकी जिम्मेवारी लेता हूँ कि मैंने वो किया। अब उसका इम्प्रिंटिंग जो है, उसका जो बिलीफ है, उसका जो उसकी जो चाहत है, मतलब होमोसेक्सुअल अट्रैक्शन जो है, वो सबकॉन्शियस माइंड में इतना पक्का बैठा हुआ है बचपन का। बचपन में क्या होता है कि मन बहुत कोमल रहता है, उसका इतना पक्का बैठा हुआ है कि वो निकलता ही नहीं है। वो भी है कि नहीं मैं अच्छा लड़का नहीं हूँ, मैंने वो ऐसा करना नहीं चाहिए था, मैं तो बलि पड़ गया, मैं तो कमज़ोर हूँ, अभी मैंने बहुत पाप किया हुआ है, ऐसे उसके मन में भावना है। लोग उसमें ख़त्म हो जाते हैं क्योंकि दिमाग में यदि बैकग्राउंड में समझो ये अंतर्मन के विचार चालू है और आपको उससे बाहर आना नहीं समझ रहा है, इधर समाज का प्रेशर है कि शादी करो शादी करो शादी करो, अंतर्मन के विचार है कि नहीं मैं तो लड़की के साथ में शादी करूँगा तो वाइफ के साथ में मैं सेक्स नहीं कर पाऊँगा या मेरा अट्रैक्शन नहीं होऊंगा, ऐसे उसमें लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। उसको मैंने बोला कि भाई काउंसिलिंग करना पड़ेगा, हिप्नोसिस करना पड़ेगा,
हिप्नोसिस से हम क्या करते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड में विजुअलाइज करने लगाते हैं, जैसा पहले उसको होमोसेक्सुअलिटी में या सेम सेक्स के साथ में उसको आनंद लगता था, अभी उसको विजुअलाइज करने लगाते हैं कि भाई वो हेट्रोसेक्स कर रहा है या लड़कियों के साथ में बात कर रहा है, उसमें उसको खुशी आ रही है, उसमें उसको मजा आ रहा है, ऐसा उसको विजुअलाइज करने लगाते हैं। अब ये आसान नहीं है, है डिफिकल्ट। वो धीरे 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 हम विजुअलाइज करने लगाते हैं, सेल्फ हिप्नोसिस उसको करने लगाते हैं, हेट्रो हिप्नोसिस करने लगाते, काउंसलिंग करने लगाते, जिम्मेवारी लेने लगाते, और जो भी हो गया उसके लिए भी उनको माफ़ कर दो। नहीं बोले, वो लड़का बोल रहा था कि नहीं मैंने अभी जिन्होंने मेरे साथ में ऐसा किया, मेरे कजिन्स हैं उनके साथ में मैंने बातचीत बंद किया हुआ है, उनको मैं दोष देता हूँ, मतलब अभी जो भी हो गया उसकी जिम्मेदारी लो, उनके साथ में बात करना चालू करो, जो भी हो गया वो तो मतलब 9 साल पहले हो गया, 10 साल पहले हो गया, आज तो नहीं हो रहा है, आज तो आप गिल्ट लेके बैठे हो, आज तो आप अपने आप को कमज़ोर समझते हो, अभी उसमें से बाहर आ जाओ, खुद को माफ़ करो, उनको माफ़ करो और ज़िंदगी अच्छी तरह से जीना चालू करो, शादी कर लो। बोलना तो बहुत आसान है, मतलब ये अपन सिटिंग करेंगे, उसके बाद हमने काफ़ी सिटिंग उनके साथ में किए, और सिटिंग वो लोगों के साथ में ऐसे करते 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 वो बाहर आते रहते हैं, बाहर आते थे, और बाद में वो शादी करके अपना जीवन अच्छा कर लेते हैं। ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं। एक कैटेगरी ऐसी कि होमोसेक्सुअलिटी से बाहर आना नहीं चाहते हो, बोलते कि नहीं मेरे को तो लड़कों के साथ में लड़के जैसे मतलब उनसे प्यार है, मेरा अट्रैक्शन सेम सेक्स के साथ में और मैं वैसे रहूँगा। दूसरा कैटेगरी है कि नहीं, बोलता है कि नहीं मेरे को उससे बाहर आने का है। तीसरा कैटेगरी है, बोलता है मैं दोनों भी करूँगा, मेरे को शादी भी करनी है और होमोसेक्स भी करूँगा। मतलब ऐसे अलग अलग स्पेसिस में लोग रहते हैं, अलग अलग कैटेगरीज के लोग हैं। अब जिसको जो चाहिए वो हम उसको देते हैं, हम ऐसा नहीं बोलते कि होमोसेक्सुअलिटी खराब है या बुरा है, उसका ओरिएंटेशन वहाँ हो गया है, होमोसेक्सुअलिटी की तरफ, मतलब समलैंगिकता की तरफ उसका ओरिएंटेशन हो गया है, अब उनका होने दो, उसको खुद को बाहर आने का नहीं, हम कुछ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। मगर किसने रिक्वेस्ट किया कि नहीं मेरे को इससे बाहर आने का है, मेरे को शादी करने की है लड़की के साथ में, तो जरूर उसका इलाज कर सकता है और हो सकता है, मगर उसको टाइम लगेगा, उसको 4-6 महीने हो सकता है, साल लगेगा कि जिसके साथ में हम मतलब उसके साथ में काम करके हम उसको बाहर उसमें से निकाल सकते हैं और अपना जीवन वो नॉर्मल व्यतीत कर सकता है। ऐसे काफ़ी सारे लोग होंगे, उनको जरूर वीडियो शेयर करो आप, क्योंकि हमारा जो मकसद है कि मेंटल हेल्थ फॉर एवरीवन, सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत, तो आप यदि ये लोगों को वीडियो शेयर करेंगे ना, काफ़ी सारे लोगों के प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगे और हमारे मिशन में आपका भी हाथ लग जाएगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। उसका बेल आइकॉन आता है ना, आप जरूर हिट करो, बेल आइकॉन हिट करेंगे ना, क्लिक करेंगे ना, तो आपके वीडियो मतलब मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आएंगे और आप मेरा वीडियो देख सकेंगे। आपका ऑनगोइंग उसमें एक तो मोटिवेशन इंस्पिरेशन होगा, आपका नॉलेज बढ़ता रहेगा। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।